मुल्ले भी जी बहुत ज्यादा चीज खराब हुई, मुल्ले का तो सभी चीज सेम। ये देखो दोस्तों, एक दिन की बारिश के चलते रोड का हाल इस तरह से, खुद रोड बना करके रोड साफ करके आगे जाना पड़ता है। ये देखो आजकल बरसात की यही प्रॉब्लम है भाई, कसम से। चलो निकल ही गए आखिर। ये देखो दोस्तों रोड का हाल कसम से, केवल एक दिन की बारिश भाई, कल रात की बारिश सो गए पूरा भाई साहब। एक जगह नीचे पे और है, थोड़ा नीचे पे और साफ करना पड़ेगा तब जाकर के अभी हम आगे मार्केट की तरफ जा पाएंगे, जो सिमट की तरफ। दोस्तों कसम से बुरा हाल हो रहा रोड का। अभी देखो ये गैती बेलचा मांग करके ला रहे हैं, अभी उस सामने पे भी टूटा हुआ है, उसको भी सही करना। अभी हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक्चुअली अभी हमारा एक प्लान बना हुआ है, प्लान हमारा कल से बना हुआ था, हमने सुबह से व्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी मतलब मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर में बोला नहीं था, तो अभी घर में बोल चुका हूँ किस चीज़ के बारे में, वो आपको आगे ब्लॉग में बताते रहेंगे। फिलहाल यह दुर्गेश भाई, अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं, जो जिस चीज़ का हमारा प्लान बना हुआ है, फिलहाल अभी हम वहाँ के लिए निकलने वाले हैं, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे तक आए हुए थे, गाड़ी में बैठ गए थे मार्केट में, ठीक है। तब तक हमको जीजा जी का फ़ोन आ गया कि स्कूटी ले करके आओ, जहाँ हमको जाना है वहाँ हमारे जीजा जी भी रहते हैं, तो वहाँ तक अब हमको स्कूटी मिल चुकी है और मैं चलाऊंगा स्कूटी। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम स्कूटी चला, हम ब्लॉग बनाएंगे। ओ भाई साहब कितना लंबा है वहां से वहां। दोस्तों एक चीज दिख रहा है आपको, ये सांप की खाल भाई साहब, इतना मोटा है ना, इतना लंबा है, वहां देखो उधर तक पता नहीं कहां तक जा रखे है। तो चलो फिलहाल अभी दीदी जी नीचे से चाबी लेकर के आ रही है, उसके बाद हम निकलने वाले हैं यहाँ से, वो आपको हम रास्ते में बताएंगे, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे फिर मजा नहीं आएगा, वही तो ठीक। तो सुबह आप लोगों ने हमारे गांव की रोड देखी, क्योंकि भाई साहब एक दिन की बारिश से रोड का इतना बुरा हाल हो चुका है, तो अभी हमको लगता है कि इस साल तो हमको रोड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है बारिश से, क्योंकि अभी बारिश का मौसम अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश लगेगी। हाँ जी मालकिन साहब, नमस्कार, बात खेल हम, अरे बात खे के हम गाड़ी में बैठे थे, तब अरे भी हमारा फोन है कि स्कूटी लेके आओ, बोल गए हम तो लिया से बड़े के चैन था, यानो के आटी लेते अरे तुम तो पीने भी और लग रहे हो, जा घूम कर बाहर जा, हम ना कौन है जा, क्या हो जा बाहर जा, नहीं लगता रूल हल में पा दे, क्यों पा जा भाई। तो अभी जाने से पहले लड़की एक छोटी सी राइड लेना चाहती है, आज कल मैंने अभी एक हफ्ते से स्कूटी पे हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों इसने गिरा गिरा करके देखो इधर क्या स्क्रैच मार दिए, इधर देखो ये इसके हाल है सारे, चल। अरे तनिल बहुत भांचिल भाई, अरे हम जा रहे हैं हेमकुंड, भले आज हम हेमकुंड नहीं पहुंच पाएंगे, आज हम जाएंगे घांगरिया और कल हम वहां से हेमकुंड के लिए निकलेंगे, और उसके बाद हम वैली ऑफ फ्लावर भी जाने वाले हैं, तो दो तीन दिन का बहुत ही जबरदस्त वाला ट्रैक हमारा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे मेन चीज़ अभी हमको बढ़िया हुआ स्कूटी मिल गई, क्योंकि स्कूटी में जो नज़ारे दिखते हैं वो शायद गाड़ी में बहुत मुश्किल है दिख पाना। Today's gonna be a good day. Wake up. पीछे का टायर में हवा देख। हेलो, हमने हवा नहीं देखा यार उधर। देख तो मुझे क्यों लाया, जैसे मैं वो कर रहा था स्पीड दे रहा जा रहा है। अबे यार हवा कम है माँ कसम। तो दोस्तों स्कूटी में हवा कम भाई, अब हमको मिलेगा कहीं वर्कशॉप गोविंद घाट मिलेगा है
कसम से वाला है यार। हम कैसे आदमी यार, हमने भय मार्केट से देख करके नहीं आई हम। पता चल नहीं जाता। हाँ। हमको बहुत कम है, कम कमी है यार। हमको थोड़ा आगे आगे बैठना पड़ेगा, पीछे ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों कसम से जो हमसे सबसे गलती हमसे हुई है, हम मार्केट से आते हुए, जोशीमठ से आते हुए, हमने स्कूटी में हवा नहीं देखी। स्कूटी में हवा थोड़ा सा कम है, वैसे पूरा कम भी नहीं है लेकिन काफी कम है। एक बार हमको देखना चाहिए था। अब हमको गोविंद घाट तक ऐसे ही जाना पड़ेगा, और वहाँ पे भी अगर मिलेगा तो तब ना यार, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ देखो ना, ये हवा कम है भाई। तो चलो देखते हैं, अगर वो भर देंगे गोविंद घाट में वैसे मिलना चाहिए यार, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी का स्टेशन है, थोड़ा सा आगे आगे बैठते हैं। बस यार पूरा पिचकना नहीं चाहिए टायर, अगर पूरा पिचक गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी कम है, पहले ही से लग रहा था। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम पहले प्रयाग पे पहुंच चुके हैं, जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, जहां पर कि अलकनंदा और धौलागिरी का, धौली गंगा का संगम है। अभी हम यहां से आगे निकल रहे हैं। 2 hours later। तो दोस्तों अभी आप लोगों को कहानी बताता हूँ। जिस टाइम पे हम बोल रहे थे ना टायर पंचर हो गया, तो हमको उसी टाइम पे लग चुका था कि भाई हम इस टायर से अभी पहुंचने वाले नहीं है, क्योंकि दिक्कत हमको नहीं था, हम पहुंच जाते, लेकिन जीजा जी को वहां से जोशीमठ आना था। तो हम बताए, हम यहां से पहले मारवाड़ी पुल गए, क्योंकि हमको यहां पे विष्णु प्रयाग पे, यहां पे दुकान वाली आंटी ने बोला कि विष्णु वहां क्या बोलते हैं मारवाड़ी पुल पे, वहां पे भरते हैं हवा, वहां पे गए हवा भरा, लेकिन हवा से कुछ नहीं हुआ क्योंकि टायर हो गया था पंचर। उसके बाद जो कंप्रेसर है, जो NH मतलब NH रोड वाले हैं, उनसे हमने कंप्रेसर से हवा भराया, और भाई साहब इतना तगड़ा वाला पंचर हुआ था ना, इतनी तेज से मतलब इतनी तेज से हवा निकल रही थी भाई बाहर। तो मैंने भाई साहब जैसी हवा भराई, 10 मिनट में मैं जोशीमठ से वो हवा भरा करके फिर वहां से अभी यहां पे विष्णु प्रयाग पे वापस पहुंच चुका हूं। 10 मिनट में पहुंचा मैं मारवाड़ी पुल से जोशीमठ, और उसके बाद वहां से अभी थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वहां से उस टाइम पे ना पंचर लगा रहा था। तो फिलहाल दोस्तों अभी पंचर लग चुका है, जो प्रॉब्लम है वो दूर हो चुकी है। एक टाइम भी इतनी आग पूरी आ चुकी थी ना, दिक्कत उसी चीज का तो था यार, हम तो पहुंच जाते कैसे करके। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो चुकी है, तो निकलते हैं अब यहाँ से आगे बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, फुल जोशो खरोश के साथ। भाई साहब बहुत दिक्कत हो गई थी कसम से यार। अब आज एक चीज सीखने को तो मिली है, कभी भी लंबे सफर में जाते हैं तो एक बार अपनी हो चाहे गाड़ी हो किसी भी चीज की हो, एक बार चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 तो दोस्तों अभी हम हेमकुंड वाली रूट पे आ चुके हैं, मतलब गोविंद घाट से ऊपर के लिए, जहाँ से घांगरिया का रास्ता जाता है वहाँ के लिए निकल चुके हैं। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कसम से, बचपन से आज तक मैं कभी मतलब अपनी लाइफ में कभी मैं इस रोड पर आया ही नहीं, ना कभी हेमकुंड गया, ना कभी पुलना तक गया, ना ही कभी घांगरिया गया, मतलब गोविंद घाट से इस रोड पे कभी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ जा रहा हूँ, नई जगह है, नया एक्सपीरियंस होगा। और रोड क्या, वो भाई रोड इस तरह की है यहाँ, ये देखो। तो ये देखिए दोस्तों सामने पे ये जो बड़ा वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये यहाँ पे ना, ये वो सारी गाड़ियाँ, ये पार्किंग है ना, ये भाई पहले जितनी गाड़ियाँ लगी थी ना यहाँ, यहाँ ऊपर से भी यहाँ एक भी गाड़ी नहीं बची थी, मतलब 2013 में यहाँ तक पानी आया था। लगा लो दोस्तों क्या भीषण वाली आपदा आई थी, क्या तगड़ी वाली त्रासदी 2013 में आई थी। ये सामने पे ये है गुरुद्वारा, भी आपको गुरुद्वारा के सामने पे लेके चलेंगे, वहां पे से बताएंगे आपको गुरुद्वारा गोविंद घाट। तो ये है दोस्तों गुरुद्वारा गोविंद घाट का गुरुद्वारा। यहाँ पे देखो ना सारी आपको छोटी गाड़ियां दिखेगी, 2-wheeler। हम तो दोस्तों अभी यहाँ पे गोविंद घाट पे पहुंचते ही हमको हमारे साजन भाई मिल चुके हैं, तो बड़ा अपनापन वाला महसूस हो रहा है, क्योंकि अपने लोग जब ऐसी जगहों पे मिलते हैं ना तो एक अपनापन सा महसूस होता है कि नहीं साजन भाई। तो चलें आ रहे हैं,
अरे नहीं 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 अभी देख रहे मौसम ठंडा पहले ही हो रहा है। नहीं नहीं क्यों बहुत हो गया। ओके भाई तो चलिए दोस्तों करते हैं आगे का सफर स्टार्ट। ओ भाई साहब क्या पहुंच रहा है भाई ये तो। दोस्तों अभी हम पुलना विलेज में पहुंच चुके हैं। ये रहा पुलना गांव। देखो पूरा नदी से सटा हुआ गांव है भाई, इसीलिए यहाँ देखो दोस्तों नीचे 2013 की आपदा में सारे घर मतलब तहस नहस हो गई। पूरे घर के ऊपर से पूरा आपको मलबा मलबा दिख रहा होगा। तो ये है, अरे कौन होगा, हेलो वो चिल्ला। तो दोस्तों पीछे हमको शायद हमारे कोई सब्सक्राइबर या हमारा कोई पहचान वाला हमको आवाज़ दे रहा था, भले हम थोड़ा सा आगे निकल चुके। चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वापस आते समय मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम पुलना से घंघरिया के लिए निकल चुके हैं। पुलना से क्या, अभी हम पूरा 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। पुलना से 10 किलोमीटर घंघरिया पड़ता है, 1.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अभी 8.5 किलोमीटर अभी हमको और चलना है, और 1.5 किलोमीटर ही मैं भाई साहब पसीने से तरबतर हो गए हम। तो नीचे पे हमको भैया जी मिले थे, ऐसे बात करते करते पहचान हो गई कि भैया जी हमारी वीडियो देखते हैं, और भैया जी से हमारी बहुत पहले बात भी हुई है। तो हेलो भैया, हेलो कर दो। तो भैया जी की भी ऊपर दुकान है, यहाँ से ऊपर आगे पे अच्छा हैबिट तो बड़ी गजब की यार भैया लोगों की कसम से। हाँ हाँ आदत पड़ी हुई है कि नहीं, ट्रैक तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ट्रैकिंग भी करते हो ना। तो भैया जी ओली के लिए ट्रैकिंग करते हैं, और जगह सारे अपने जितने भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हाँ नाम क्या बोला आपने? मेरा अभिषेक खत्री। अभिषेक खत्री, जो ट्रैक करते हैं उसका नाम? उसका नाम एक्सप्लोर द माउंटेंस। एक्सप्लोर द माउंटेंस। तो अगर आप लोग अगर आप लोग भी कहीं ट्रैक करना चाहते हो ओली के लिए, सुप्रसिद्ध ओली, तो वहाँ के लिए भी आप भैया को वो कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। भैया जी आपको पूरा ओली घुमाएंगे बिल्कुल अपने स्टाइल में, ठीक है। तो ये कौन सा जगह है भैया? जंगल चट्टी। तो अभी लगभग 2 किलोमीटर ऊपर हम पहुंच चुके हैं और जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। हाँ से आपका 7-7.5 किलोमीटर। हाँ 7.5 किलोमीटर घांगरिया। हाँ दुर्गेश भाई तुम पे नहीं हुआ यार, भाई कैपेसिटी बहुत तगड़ी है तुम पे। तो यह है दोस्तों जंगल चट्टी 0 किलोमीटर, यानी जंगल चट्टी में हम पहुंच चुके हैं। और फूलों की घाटी यहां से 12 किलोमीटर है, जो कि हम करेंगे कल या परसों। कल तो हम वहां चलेंगे हेमकुंड, कल हेमकुंड पहुंच जाएंगे जल्दी जैसा टाइम होगा। आज घांगरिया जाएंगे, घांगरिया से पड़ता है 6 किलोमीटर हेमकुंड, और हेमकुंड से आने के बाद शायद क्या पता कल ही हम फूलों की घाटी भी कंप्लीट कर ले, ठीक है। देखते हैं फिर भी क्या कुछ होता है। दोनों जगह जाना है भाई, जाने के लिए तो हम यहाँ आ रखे जाएंगे, नहीं तो कैसे चलेगा। हेलो भाई जी नमस्ते, कैसे हो भैया? बढ़िया बैठन बैठन दुर्गे साहब थोड़ा बैठते हैं तब चले। अच्छा यही है तुम्हारी दुकान? तो दोस्तों यह है भैया जी लोगों की दुकान, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे का सफ़र करेंगे स्टार्ट। नीरज भाई भी आ रहे उधर से, तो भाई को भी रुकता है थोड़ा सा।